अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। थोड़ा सा इधर देखो, इधर देखो। वाओ, ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। टीकू, एक्सक्यूज मी, चीना, फेस टर्न, जबरदस्त पोज। अरे ये देख, हाउ हैंडसम, ही इज हॉट। हॉट क्या, ही इज अ ओह माय गॉड। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओह शिट, फिर ही ट्राइड। शट अप। अब सुन, हमें ना इसे रंगे हाथ पकड़ना है, ठीक है? लेट्स जस्ट बी अलर्ट। ये उसकी रूम है, उसकी रूम पर और उस पर नजर रखना। रूम की फोटो क्यों ली तुमने? पहले रूम पर ध्यान देता हूँ, फिर रूम वाले पर ध्यान देता हूँ। कोई दिख नहीं रहा। हेलो, आ गए। क्या ये, कितनी देर, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? वही तो। भाभी आप कैसी है? महाराज की कृपा से सब ठीक चल रहा है। अच्छा, हमारा दूल्हा कहाँ है? वो तो घूम रहा है दुल्हन के पीछे पीछे। अच्छा चलिए, मैं आपको हमारे समधियों से मिलवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक ग्रुप फोटो प्लीज। ठीक है, ठीक है। लो चाचा, क्लोज क्लोज। अरे मेलिया, इनको गोद में उठाओ क्या? चाचा भी फ्रेम में आने चाहिए ना। अरे जिगना की मम्मी, आ जाना, मुझे अपनी वो शादी याद आ गई है। जिगना ना पापा, तमे पढ़ने। तुझे मालूम है? आइए 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 आइए। हेलो, पहचान करा के देता हूँ। हाँ। ये जिगना के पापा। जय श्री कृष्ण। और ये जिगना की माँ। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। ये है समीर के माता। अच्छा, बैसो बैसो। बैठो बैठो बैठो। देसाई। अच्छा, देसाई इतले नवसारी? नहीं नहीं, हम कोकन से हैं। हाँ। एवो। हाँ। पर तुम्हारो समीर पढ़ने बहुत हैंडसम छे हो। पता नहीं उम्र तो जो। वो समीर जो है ना, ऐसा वो यंग लड़का है ना? और तू बोटे तमे पढ़ने अटला वरस थाई गया, पर इनसिक्योरिटी जती नथी तुम्हारी। जिग्ने और बाबिया का तो बाजा बज गया, तो फिर समीर का भी बजवा दीजिए। अटली सरस सरस छोकरियो छे यहां, गुजराती लड़की चलेगी ना? मेरी भी एक भतीजी है, मीनल गांडी। मीनल गांडी से आलोक ने गांडा करी मुख से। गांडी मतलब पागल। पावली कम इसकी तरह। बस बस, मेरे मायके वालों को सिर्फ गालियां देते हैं हम। रोइए मत भाभी, रोइए मत। भाभी जी आप शांत हो जाइए। वैसे सच कहूँ तो हमारे समीर की शादी तो कब की हो चुकी होती। लेकिन उसकी किस्मत का सूरज उगा तो था, पर अंधेरा लेकर। वन टू। थ्री फोर। वन टू। अरे चुप करना यार। अबे उल्टी आ रही है तो क्या करूं यार? पछती नहीं है तो पिता क्यों है बे गेंडे? सुबह सुबह नींद की वाट लगा डाली। ए समय यार, बंद करना यार ये पीटी। अरे वो आदित्य ऊपर आया, उसे देखो तो। कौन आदित्य आया बे? अरे मतलब सूरज। अरे तो तू उसे गुड मॉर्निंग बोल, तेरा भरतनाट्यम करो और जाना यहाँ से यार। अरे भरतनाट्यम नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज कहते हैं इसे। स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी जीनी है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अबे चुप करना, इसलिए कहता हूँ रोज सुबह एक्सरसाइज करो और शाम को गर्लफ्रेंड के साथ मजे करो, बियर पियो और ऐश करो। क्या है ना, तुम लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं मिला है। हाँ नहीं, ये जीवन काम करने के लिए होता है। सच कहा यार, जीवन ना काम करने के लिए ही होता है। आजा छोड़। तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ है। अब ऐश करूं या काम करूं? अरे अभी काम करोगे ना तो बुढ़ापे में चैन की नींद सो पाओगे। अरे यार समया यार, मुझे तो तू जवानी में ही बूढ़ा लगने लगा है। जो दिमाग की पुंगी बजा रहा है यार, तू मरते मरते जी रहा है ना, तो हमें जीते जी क्यों मारना चाहता है? गुड नाइट। अरे अरे बोला ना गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
अरे बाढ़ में क्या तेरा प्रभात, सोने दे मुझे। अबे मोटे उल्टी बंद करेगा, झूठ ना करो। लड़के का लड़की को छूना तो स्वाभाविक ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा गड़बड़े बाबा कहते हैं। भाजी ले लो भाजी। स्पर्श के महत्व को बताते हुए महाराज ने एक कहानी बतलाई। एक लड़का होता है बिल्कुल सीधा साधा, उसने कभी भी न देखा था पराई औरत को। एक दिन उस लड़के की जिंदगी में एक दुर्घटना घटी, एक औरत उसे प्यार करने लगी। सॉरी। उस औरत ने दिया लड़के को जोर से धक्का। सॉरी क्यों? और उस औरत के धक्के से यू आर ऑलवेज वेलकम बट यू नेवर कम। कमला कम। काका गुड मॉर्निंग। जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर वो लड़का वहाँ से भाग गया। गड़बड़े बाबा बोलो, सुखों का दरवाजा खोलो। गड़बड़े बाबा की जय। गड़बड़े महाराज की जय। इस तरह हुए उस औरत के स्पर्श से वो लड़का अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। धीरे धीरे उस स्त्री के बारे में उस लड़के के मन में डर उत्पन्न होने लगा। उसका चरित्र शुद्ध है या अशुद्ध, इस उलझन में वो लड़का फंस गया। फिर वो अपना चरित्र शुद्ध करने की कोशिश करने लगा। जय गड़बड़े बाबा। रुके, अरे क्या है? गौमूत्र पीना है इसे? नहीं पापा छिड़की ना। कहाँ अशुद्ध होकर आए हो? पर स्त्री के स्पर्श से चरित्र अशुद्ध नहीं होता, ऐसा गड़बड़े महाराज कहते हैं। उसके बाद उस लड़के के माता पिता। वो बाबिया ठीक कहता है। और कितने साल इंतजार करोगे? लड़के की शादी करने की इच्छा नहीं थी लेकिन महाराज ने कह दिया। फिर लड़के के मन। अरे मेरी तबीयत भी ठीक है, अभी अच्छा खासा फिट हूँ मैं। इसीलिए उस लड़के के माता पिता उसे हॉट एंड सेक्सी लड़कियों के फोटो दिखाने लगे। गड़बड़े बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी माँ की तबीयत भी सुधर गई है। दिखाने अरे तुम्हारा लिया हुआ लोन भी क्लियर हो गया है। फिर भी वो लड़का शादी के लिए राजी ना हुआ। मेरी बात सुनो समीर, तुमसे सीधा सीधा पूछता हूँ, तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्या जी? चलो चलती हूँ। अरे चलिए जल्दी करिए। चलो जल्दी, आधे घंटे में आरती शुरू हो जाएगी, वो मिस नहीं होनी चाहिए। से जाएंगे, तुम चिंता मत करो। महाराज हम आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। महाराज का नाम लीजिए तीन बार। गड़बड़े महाराज की जय। गड़बड़े महाराज की जय। गड़बड़े महाराज की जय। जूता हा? बाबा लेकिन एक जूता पहन कर कैसे चलूं? मारो मत उसे। रुको, क्या करे? खड़ा हो बे, चल। भाई मेरी बात सुनो ना। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरा और उसका ब्रेकअप हुआ है, उसका दूसरा अफेयर भी शुरू है। परसों वो मेरे ही पैसों से अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर पे गई थी। अब उसके लिए मैं हर बार पैसे कहाँ से लाऊं? बोलो ना भाई, बोलो ना। दुनिया को लगाता हूँ चुन्ना, नाम है मेरा झापड़ वाला मुन्ना। चलो चलो, पैसे नहीं बोल रहा है हम मारिस। सुनिए क्या है काका, या क्या फैमिली पिक्चर चालू है? चल रहे समीर, चलो वंटा सो जाओ, चलो निकलो। भाई, भाई, अरे भाई, पर मार क्यों रहे हैं? लग जाएगी इसे तो फिर उसे दर्द होगा ना। तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप मेरे बाप को बीच में क्यों ला रहे हैं? तो फिर क्या तेरे को लाऊं क्या? सुने दाल खिचड़ी, ऊपर से नींबू निचोड़ कर मसल मसल कर मारूंगा। काका ले जाओ इसे, चल चल जा, चल जा, चलो शुरू करो रे। ए चलो चलो निकलो। काका आइसक्रीम तोड़ 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 उसको। क्यों शोर मचा रहे हो? कल का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं। बाबा, नहीं, न्यू ईयर है ना आज, सबने दिल खोल कर एंजॉय करने का तय किया। तुम सब सुबह सुबह कैसे आए? मतलब जरूर कोई गड़बड़ है या फिर तुम्हारा कोई प्लान है? प्लान तो है। फिर कब बैठना है? तो मेरा मतलब वैसे नहीं, वैसे बैठते हैं मतलब प्लान सुनने कब बैठना है? तुरंत अगर आपकी परमिशन हो तो महाराज। क्यों नहीं,
बैठो बैठो बैठो, चलो बैठ जा। बोलो महाराज, हमारा समीर 31 साल का हो गया है। तो इसमें मेरी क्या गलती, इन्हें बोलो। लेकिन सांसारिक मुश्किलों की वजह से ये बेचारा कभी अपनी शादी के बारे में सोच ही नहीं पाया। आप तो जानते हैं मैं बीमार थी, फिर ये रिटायर हो गए, फिर सर्जरी हुई इनकी, लेकिन महाराज आप मिले और हमारी मुश्किलों का दरवाजा खोल दिया, सारी मुश्किलें हल हो गईं। इसीलिए अब हम अपने समीर की शादी के बारे में सोच रहे हैं महाराज। करो करो, नहीं शादी करो। महाराज प्लान तो हम कर रहे हैं मगर प्लान के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है। वो क्या है ना, प्लान करके कुछ होता नहीं है। आज का ही देख लो, न्यू ईयर, इन दोनों को डांस करना था, आई मेरे पास, बोली कुछ करना है, मैंने कहा देखते हैं, बुलाओ बुलाओ बेंजो पार्टी। बेंजो पार्टी के पैसे कहाँ से लाएंगे, तब ये मेरे पास आया। अब इस पार्टी ने उस पार्टी के पैसे दे दिए, अब बाकी की तैयारी, मतलब सब चाहिए ना। डांस करना है तो भक्ति रस चाहिए, मैंने भक्त को कहा कि तुम रस देखो। रात भर भक्ति रस में चूर होकर सब थक गए हैंगओवर आने तक। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कुछ प्लान मत करो, एक बात तय कर लिया। महाराज बताइए ना क्या है उनकी इच्छा। एक मिनट, आई विल आस्क हिम। ओह माय गॉड, ओह अच्छा, उनका कहना है कि ये लड़का लव मैरिज करेगा। क्यों रे शाणे, बंद क्यों कर दिया? लैपटॉप बंद हो गया है महाराज, रात भर ऑन था तो गर्म हो गया है। हाँ देखा, यही होता है, इंसान भी बिल्कुल लैपटॉप की तरह होता है, गर्म होगा और गर्म होगा फिर बंद पड़ जाएगा। गर्म होने के बाद बंद पड़ने से पहले कर डालो शादी। चलो लव मैरिज कर डालो बिंदास। लव मैरिज, लव मैरिज, एक मिनट, उससे बेहतर अरेंज मैरिज नहीं हो सकता क्या? अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे बताओ, कोई अपने बेटे का नाम अरेंज रखता है क्या? प्रेम रखता है ना। अब किसी को चिट्ठी लिखी तो अरेंज लिखते हैं क्या, लव लेटर लिखते हैं। इसीलिए लव या अरेंज इसमें उलझने से बेहतर है झट से उठो, पट से लड़की देखो और तुरंत कर डालो शादी। यार बहुत मस्त है यार। बाबिया मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। टेंशन किस बात की, लाइन दे रही है, मैं ले रहा हूँ। अरे ये नहीं रे, वो गड़बड़े बाबा ने जो मेरे बारे में कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो भी सेम बात है यार, आपने को क्या, आपने को सिर्फ पेट भरने से मतलब है, सही कहा कि नहीं? अगर लड़की सामने आ गई तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी उम्र पता चलने के बाद पहला सवाल यही आता है कि आपके बच्चे कितने हैं। लव मैरिज कैसे होगी यार? समीर यार यही तुझमें एक कमी है, यही मार खाता है तू। तू भी ना, मतलब मेरी बात सुन, लड़कियों को उस नजर से देखने की कोशिश शुरू कर कि उनकी बातें तुझे सुनाई देने लगे। सुन सुन, आंखें बंद कर, अब सुन। साम्या तो उसके बाद लड़की की खुशबू भी सूंघ पाएगा और फिर वो लड़की तुझे हर तरफ दिखाई देने लगेगी। तो बता कौन दिख रहा है तुझे? अबे साले तुझे इसकी खुशबू आ रही है? वो नहीं यार। अरे मैंने कब कहा इससे प्यार कर, पर मेरे दोस्त तू ट्राई तो कर, तुझे तेरे टाइप की लड़की जरूर मिलेगी। जय कर पड़े बाबा। आप देख रहे हैं ना बाबा, कोई लड़की ही नहीं मिल रही है। आपके आशीर्वाद से कोई मिल जाएगी, लेकिन कब? कुछ ही दिनों में मैं 32 साल का हो जाऊंगा। लव मैरिज का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है।
मतलब आप ही कोई लड़की ढूंढिए ना, आंखें बंद करके मैं उससे शादी कर लूंगा। Beggars don't have choice, बाबा। एक काम करना, समय को बुला, ये अपने बस का काम नहीं है। समीर, ए समीर, इशू क्या है देखना। हाँ। क्या हुआ यार? फिर से अटक गया? देखो मैंने कहा था ना, स्मार्ट है रे, लेकिन थोड़ा ढीला है। मैंने तो उसे बोला था, बोला था ना ये तो ढीला है। एक्सक्यूज मी, मे आई? थैंक यू। बहुत भूख लगी बाबा। मशरूम की सब्जी है, खाओगे? नहीं थैंक्स। तुम क्या लाए हो? मटर की सब्जी है। वाओ, मेरी फेवरेट सब्जी है। हाँ? दिखाओ। सुपर्ब। किसने बनाई है? बीवी ने? नहीं, माँ ने, शादी नहीं हुई मेरी। हाँ, तुम्हारी माँ के हाथ चूमने पड़ेंगे। सुपर्ब। ये ट्राई करो ना, मैंने बनाई है। हाँ। कैसी बनी है? अच्छी है। अच्छी बनी है ना? मैं अच्छा ही खाना बनाती हूँ। और यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो तुम? वो लोग तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं बिठाते? मजाक क्यों उड़ाते हैं तुम्हारा? सॉरी, मैं तुमसे ये सारी बातें कर रही हूँ पर नहीं, इट्स ओके। इट्स अ नोन फैक्ट कि मेरी कंपनी में सब बोर होते हैं। बोर? फिर तुम उन्हें ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल ऐसा क्यों नहीं बनाते? बेर तो छोटा होता है ना। वो कर पाता तो सीधा फ्रूट सलाद ही बना देता। गुड। क्या बात है, मतलब तुम्हें फ्रूट सैलेड की रेसिपी पता है? और कुछ भी आता है? बस ये एक ही रेसिपी आती है। बाय द वे, आप तुम अर्पिता, अर्पिता राजे। बाय द वे, मुझे सिर्फ अर्पिता कहोगे तो चलेगा, समझे ना समीर? ओके। और अब प्लीज, हाँ, ये डेली सोफ वाला सीरियस फेस लेकर घूमना बंद कर दो। ऐसे मुंह लटका कर रहते हो ना, इसीलिए कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता। तुम हमेशा हंसते रहो। हंसते वक्त तुम बहुत अच्छे लगते हो, और लोगों को भी हंसाते रहो। मतलब हंसाना बहुत मुश्किल है पता है मुझे, लेकिन तुम ना किताबें पढ़ा करो, ढेर सारी किताबें। लेकिन वो मिडनाइट जोक्स, हाई फाई जोक्स, ऐसी बकवास किताबें मत पढ़ना। कुछ ढंग का पढ़ना जिससे कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सुधरेगा। तुम हमेशा कहते हो ना, कोई तुम्हारे पास नहीं आता, कोई तुमसे बात नहीं करता, तो तुम उनके पास जाओ ना, उनसे बात करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो बातें करो उनसे। जेल में ही है। अगर किसी को गुस्सा आता है या कोई चिढ़ जाता है तो ध्यान मत दो। आशीष तो घो तुझा। संता मिलिट्री ज्वाइन करता है, बम बम लेता है, गन वन लेता है और अपने ही कैंप में घुस जाता है और लोगों को मारने लगता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब तुम सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होगे और सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से चेंज हो जाओ। तो साले दुश्मन पर क्यों खर्च करूं? <laughs>